हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमने आपको 19 तारीख को बताया था कि निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव डाइवर्जन बना हुआ है, और जिसकी वजह से निफ्टी अभी तक लाइफ टाइम हाई भी नहीं बना पाई है। और हमने आपको यहाँ पर क्लियर बताया था कि ये एक जहाँ ये डाइवर्जन बना है और यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन है जिसको निफ्टी ने अभी तक क्रॉस नहीं करा है। कल हमने आपको बताया था कि हो सकता है आज मार्केट लाइफ टाइम हाई किस करे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग करी थोड़ी, और वहाँ से वापस स्लाइड ही होता रहा, और ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने कल क्या लेवल्स आपको बताए थे और किस तरह से आपको हमने बताया था, जो हमने इंट्राडे चार्ट पर बताया था। चलिए एक बार उस लेवल्स पर नज़र डाल लेते हैं। हमने आपको ये बताया था इस लेवल्स पर कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर थी। आज मार्केट थोड़ा गैप डाउन होकर नीचे आई, और हमने आपको यहाँ पर बताया था 18,670, 18,690 और 18,670 के आसपास का हमने यहाँ पर ये लाइन भी आपके लिए ड्रॉ करा था। ये हमने बताया था कि ये डिमांड जोन है, और आप देख सकते हैं जब मार्केट ने यहाँ पर एक गोता खाया यानी एक डिप लगाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सीधा एक वापस एक स्मार्ट रिकवरी कर दी, जो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास के लिए यहाँ पर उसने अटैम्प्ट करा। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन नहीं होती तो फिर यहाँ पर ये सप्लाई जोन हो जाएगा, जो कि ये सप्लाई जोन फिर वापस जो पहले डिमांड था वो सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया था। और उसके बाद मार्केट ने वहाँ पर यहाँ पर वापस से एक डिप लिया और बिलो डिमांड जोन के नीचे जाके क्लोजिंग कर दी मार्केट ने। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब मंडे जो मार्केट किस तरह से रहना रहेगा, क्योंकि अभी ये 18,670 के आसपास की जो क्लोजिंग है ये एक थोड़ी एक निगेटिविटी जो है यहाँ पर शो कर रही है, क्योंकि 18,700 पर एक अच्छा खासा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, जो आज कहीं ना कहीं वहाँ पर जो पुट सेलर थे वो कहीं ना कहीं थोड़े हावी होते हुए नज़र आए बायर्स के ऊपर। और इसलिए यहाँ पर जो आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 18,670 के आसपास उन्होंने नीचे दिए। तो अभी भी ये एक डिमांड जोन के लिए ही काम करेगा। अगर यहाँ पर से सपोज मंडे मार्केट, ये एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, मार्केट अगर मंडे इसके ब्लू ही ओपन होती है, यानी कि 18,650, 18,670 की रेंज में ओपन होती है, और यहीं पर कोई प्राइस एक्शन करती है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है, तो फिर यहाँ से वापस एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट के अंदर, जो कि उसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो होगी वो नेक्स्ट सपोर्ट की ये हो सकती है 18,572, यानी कि 18,600 आप राउंड फिगर कर सकते हो, 18,572 यानी कि 18,575, 18,500 लेवल्स के आसपास निफ्टी आ सकी है। क्योंकि ये जो डिमांड जोन था, जो यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे वो कहीं ना कहीं वीक हुए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट करा है और कम्प्लीटली यहाँ से हैंड्स अप कर दिए कि अब हम इसको नहीं डिफेंड कर पाएंगे इस लेवल को। और कॉल सेलर्स को उन्होंने इनविटेशन दिया है कि आओ और मार्केट को नीचे गिराओ। ओके, तो और कोई भी मंडे अगर ये हमने गैप डाउन का बता दिया इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट फिर और नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और एनी हाउ अगर मार्केट यहाँ पर कोई गैप अप ओपनिंग देता है, यानी कि यहाँ से 30-40 पॉइंट की कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है और निफ्टी इस लेवल्स को डिफेंड करती है और यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाती है और सस्टेन करती है, तो फिर यहाँ से चांसेस हैं वापस निफ्टी 18,775, 18,800 के लिए अटेम्प्ट करे, जो कि ये जोन रहेगा। और ये अब ये सप्लाई जोन बन चुका है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये लेवल जो है ये सप्लाई जोन है, ठीक है, अब ये डिमांड जोन नहीं रहा, अब ये सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मार्केट जब भी निफ्टी आता है तो यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होकर अगर वापस नहीं क्रॉस कर पाता है लगभग आधा घंटा और 1 घंटा, तो वापस से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट वहाँ पर वापस से एक नीचे डिप लगा सकता है, जो कि 18,700 के लेवल्स के लिए हो सकता है। और डेली चार्ट पे हम एक बार देख लेते हैं, डेली चार्ट पे हमारा जो था उस पे अभी क्या इंडिकेशंस मार्केट में मिल रहा है, किस तरह से रह सकते हैं मार्केट। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने यहाँ पर भी ये लाइन ड्रॉ की हुई थी जो डिमांड जोन थी, आज मार्केट ने यहाँ पर डेली चार्ट पर भी उसकी नीचे क्लोजिंग दी है।
और ये जो आप जो लाइन देख रहे हो ब्लैक वाली लाइन, जो ये लाइन साथ साथ चल रही है, ये 20 MA की ट्रेंड लाइन है, और मार्केट ने कहीं ना कहीं यहीं पर ही आके एक स्टॉप लिया है आज मार्केट के अंदर। और निफ्टी कहीं देखो ये, इसमें भी साफ साफ यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो हमने वहाँ पर आपको दी थी, इसमें भी साफ साफ ये 18,572 का लेवल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रांग डिमांड जोन रहेगा, यानी कि स्ट्रांग सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे अगर किसी भी कारणवश गया तो मार्केट एक थोड़ा अच्छा खासा डिप नीचे की तरफ ले सकता है। तो आप इन लेवल्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये जो निफ्टी का जो डाइवर्जन था बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, ये आप देखिए। और आप शॉर्ट्स में जाके हमारे वीडियोस भी देख शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर हमने DLF, रिलायंस, मेनी मोर जो बुलिश और निगेटिव डाइवर्जन हुए थे, और वो अच्छे खासे अपने लेवल से 5-10% का डिप नीचे की तरफ गोता लगा चुके हैं। अगर आप पुट ऑप्शंस बायर होते या ऑप्शन सेलर होते तो कॉल सेल करके पुट बाय करके आप अच्छा खासा पैसा उसमें से कमा सकते थे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस पसंद आ रहे हो, और पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपका अपना चैनल स्टॉक रिपोर्टर, इसको ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। हम मे बी दिस वीकेंड से हम स्टॉक्स के एनालिसिस भी आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको स्टॉक्स के बारे में भी सब कुछ बताएंगे कि स्टॉक्स में क्या डाइवर्जन बन रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, जो कि जो चीज़ हम अपनी शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर करते हैं, वो हम थोड़ा लॉन्ग वीडियो में भी, 5-10 मिनट की वीडियो में भी शेयर करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी अर्निंग अहेड।